शारदीय नवरात्र का समापन हो गया है और विजयादशमी के दिन माँ की विदाई की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली, विसर्जन की तस्वीरें देखने को मिली। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे बंगाल के अलग अलग जिलों में कैसे दी गई माँ को विदाई, सिंदूर खेला की वो तस्वीर, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि विजयादशमी में देर रात तक कुछ पूजा पंडालों में लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। 9 दिन तक चले नवरात्रि महोत्सव का शनिवार को देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ समापन हो गया। 9 दिन तक चले देवी आराधना की पर्व नवरात्रि पर महानगर में चहल पहल देखने को मिली। विभिन्न देवी पंडालों में लोगों ने श्रद्धा भाव से देवी मां के 9 स्वरूपों का पूजन अर्चन किया। इस दौरान हर देवी पंडाल में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कन्या भोज व भंडारे आयोजित किए गए। कहीं सिंदूर खेला, कहीं नाच की तस्वीरें देखने को मिली। सिलीगुड़ी से कोलकाता तक हर जगह एक ही तस्वीर देखने को मिली। अधिकांश बड़े मंडपों में मूर्तियों की सजावट नहीं की गई, मुख्य रूप से घर में दुर्गाओं का विसर्जन किया जा रहा था। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कोलकाता पुलिस भी सक्रिय नजर आई। पुलिस बलों की तैनाती भी इस दौरान देखने को मिली। गंगा नदी के पास भी विसर्जन को लेकर निगरानी कोलकाता पुलिस की चलती रही। इस बीच दशमी पर आगंतुकों की भीड़ भी देखने को मिली। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैसे वैसे मंडप में लोगों का आना जाना देखने को मिला। शहर हो या जिला, आगंतुकों को लंबी कतार में खड़े हुए देखा गया। इंतजार का एक साल फिर शुरू होगा। इससे पहले विभिन्न मंडपों में आम लोगों का जुटना शुरू हो गया था। दशमी की रात पंडाल दर पंडाल भीड़ बढ़ती जा रही थी। जिले से कोलकाता सभी पंडालों में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। छोटे बच्चे अपने पिता के कंधों पर सवार होकर मंडाल में पहुंचे हुए थे। इंतजार का एक साल फिर शुरू होगा। उससे पहले दशमी को मंडप में भीड़ देखने को मिली। जैसे जैसे शाम ढलती गई, कोलकाता से लेकर जिले तक लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि कोई भी लंबे समय तक इंतजार करते नहीं थकता, हर कोई मुस्कुराता हुआ लाइन में खड़ा नजर आया। आपको बता दें कि इस साल अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ी। दशमी पर पंडालों में भी भीड़ देखने को मिली थी। दोपहर से ही विभिन्न मंडपों पर लंबी कतारें लगी हुई थी। समय के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। हालांकि सन्नाटे के माहौल में भी विरोध की तस्वीरें देखने को मिली। आज ही के दिन व्रानिमा अमृता राय के कृष्णनगर राजबाड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ सिंदूर खेला में प्रतीकात्मक तस्वीर लेकर न्याय मांगा गया था। वहीं वी वांट जस्टिस का नारा भी दिया गया। सिलीगुड़ी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। सिलीगुड़ी की सबसे पुरानी पूजाओं में से एक मित्र सम्मिलिनी पूजा है। वहां सुबह से ही सिंदूर खेला की तस्वीर देखने को मिली। मुर्शिदाबाद में भी सिंदूर का खेल चलता हुआ नजर आया। काशी बाजार राजबाड़ी के लोग काफी उत्साहित नजर आए। तो वहीं अगर बात करें तमलुक की, तो यहां भी सिंदूर खेला महिलाओं द्वारा खेला गया। तमलुक के धारिंदा दोहपुर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के पूजा मंडप में महिलाओं ने सिंदूर खेला। रिवाज के मुताबिक महिलाओं ने यहां सिंदूर भी खेला और महिषा दल राजबाड़ी में भी सिंदूर खेल चल रहा था। आपको बता दें कि पूजा 250 साल से प्रवेश कर गई है। उम्र की कुर्बानी के माहौल में राज परिवार के सदस्यों के साथ साथ इलाके के लोगों ने सिंदूर खेल में हिस्सा लिया था।